कभी आपने सोचा कि कोई शख्स अपनी गलती मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इख्तिलाफ तो उन लोगों के दरमियान भी हो जाता है जो जाती मफाद की खातिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिकायत तो उन लोगों को भी हो जाती है जो दुनिया से मोहब्बत करना चाहते हैं और ख्वाहिशात के पीछे भाग भाग कर जिंदगी बसर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जाती फायदे की खातिर तो लोग इख्तिलाफ और शिकायत को भूल जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की खातिर कोई अपनी अना को तोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई अपनी अकड़ खत्म नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला के लिए अपने इख्तिलाफ और अपनी शिकायत को भूल कर एक दूसरे से जुड़ना क्यों नहीं चाहते? आज के दौर में दीनदारी की एक अजीब शक्ल वजूद में आई है। बज़ाहिर बड़ी धूमधाम है, ज़ाहरी तौर पर हुलिये मुख्तलिफ हैं, लेकिन करीब जाकर देखिए तो वही चीज़ नहीं है जो दीन की असल है, यानी अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ और इंसानों से हमदर्दी। आर्टिफिशियल दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इस आर्टिफिशियल दौर में शायद दीनदारी भी आर्टिफिशियल होकर रह गई है। लोग भूल गए कि दीन असल में एक अल्लाह पर ईमान लाने का नाम है, एक अल्लाह ताला की जात से मोहब्बत करने का नाम है, उसकी यादों को अपने दिलो दिमाग में बसाने का नाम है। क्योंकि उसने हर चीज को बनाया और उसने मौत के बाद सब इंसानों को जमा करके हिसाब लेना और फिर हमारे आमाल के मुताबिक हर एक को या तो अबदी जहन्नम मिलनी है या अबदी जन्नत। अगर इस बात पर सच्चाई से कोई यकीन कर ले तो जिंदगी बदल जाती है। आखरत पर यकीन, जन्नत और जहन्नम पर यकीन इंसान को सेंसिटिव बना देता है, फिर इंसान की सोच में तब्दीली आती है। ऐसा शख्स उन तमाम आमाल के बारे में इंतहाई शौक रखता है जो जन्नत तक पहुंचाने वाले हैं, और हर एक से ज्यादा अल्लाह ताला से डरने लगता है, उससे मोहब्बत करने लगता है, उसी से उम्मीदें बांधने लगता है, उसी पर एतमाद करने लगता है, फिर उसे अपनी इनफिरादियत भूल जाती है। ये आखरत के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में इंसान के अंदर जो यकीन उभरता है, जो इंसान को हसास बना देता है, वही यकीन इंसानों के बारे में भी मोहतात और जिम्मेदार बना देता है। कोई शख्स जो आखरत पर यकीन रखता है वो इंसानों से बुरा मामला नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है मैंने इसके साथ बुरा मामला नहीं किया, मैंने अपने आप को जहन्नम की खाइयों में गिरा दिया। वो इंसानों के साथ सरकशी नहीं कर पाता, वो डरता है कि हर शख्स के साथ जहन्नम के फरिश्तों की फौज है। वो जिससे भी मामला करता है उससे नाइंसाफी नहीं करता, उसे लगता है मैंने किसी के साथ इंसाफ न किया तो मुझे जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। ऐसे शख्स की नजरों में कोई इंसान महज एक इंसान नहीं होता, बल्कि हर इंसान एक ऐसा वजूद होता है जिसके साथ उसका पैदा करने वाला भी मौजूद होता है। दुनिया में इंसानी हमदर्दी आर्टिफिशियली तो किसी के अंदर भी पाई जा सकती है, वक्ती तौर पर भी किसी के अंदर यह जज्बा उभर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के अंदर हमदर्दी की आदत आ जाए तरबियत की वजह से, लेकिन सच्ची हमदर्दी उसी के दिल के अंदर आती है जिसको जवाबदेही का एहसास होता है, वही इंसानों के लिए मुखलिस होता है, खैरखा होता है। इसी को ह्यूमैनिटी कहते हैं, जो अल्लाह ताला से इन टच रहने की वजह से इंसान के अंदर आती है। या अल्लाह हमें आखरत का ऐसा यकीन नसीब कर दे जिसकी वजह से हम आपके खौफ और इंसानों की हमदर्दी में जिंदगी बसर करने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।